आवतराम चौक विकी वाइन शॉप समोरील जनरल स्टोर मधील व्यापाऱ्याला दुकानात घुसून बेदम मारहाण झाल्याची घटना खेमानी चौकात घडली आहे. 10 ते 15 जणांच्या टोळीने ही मारहाण केली. सध्या जखमी व्यापाऱ्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. कॅम्प नंबर 2 खेमानी चौकात खूपचंद लंचानी आणि त्याचा मुलगा किशन लंचानी याचं सायकल आणि जनरल स्टोअरचं दुकान आहे. याच बाजूला गॅस डिलिव्हरी दुकान आहे. याचा त्रास किशन यांना होत होता. याविषयी अनेकदा त्यांच्यात वादविवादही झाले होते. याच रागातून किशन आणि खूपचंद यांच्यावर 10 ते 15 जणांच्या टोळीने जीवघेणा हल्ला केल्याचं म्हणणं किशन याचं आहे. या हल्ल्यात किशन याच्या संपूर्ण दुकानाची तोडफोड करण्यात आली असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत पुढील तपास सुरू केला आहे. मेरी खेमानी रोड पे शॉप है, हिप्पी जनरल स्टोर में मेरे दुकान पे बैठा था. 20 से 25 लड़के सीधा मेरे दुकान में घुस के आए, मेरे फादर को मारने लगे. मैं वहाँ से उनको बचाने के लिए गया. मैं शॉप के अंदर को था, वो लोग आए सीधा मारना चालू हो गए, जिसमें 4 मुख्य आरोपी जो कि संजय गैस हाउस के ऑनर लक्ष्मण संजय हरिराम सोनेजा, उसकी वाइफ, उसकी बेटी अंजलि लक्ष्मण सोनेजा, उसका बेटा मोहित लक्ष्मण सोनेजा, ये लोग सब मेरे दुकान के अंदर घुस के आए और मेरे को मारना चालू हो गए. मेरे दुकान पे तोड़फोड़ करने लगे. जो सामान था, काउंटर, कांच की बर्नियाँ, पानी की बॉक्सेस, पानी की बॉटल्स, फ्रिजेस, सब तोड़ने लगे. मेरा वेट मशीन उठा के फेंकने लगे और पूरा कांच का काउंटर तोड़ के गए हैं. और जितनी भी कांच की चीज़ें हमारी दुकान में उस टाइम पर थी वो सारी की तोड़ के गए. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने कंप्लेंट किया या पुलिस चौकी गए तो कल आपका आखिरी दिन होगा. ब्यूरो रिपोर्ट, न्याय दरबार, उल्लासनगर.